प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल में शीघ्र शुरू होगी हेल्पलाइन डेस्क। साथ ही सारी जांच रिपोर्ट पहुंचेगी वार्डों में, मरीजों और परिजनों को मिलेगी एक ही जगह पूरी जानकारी। डीन अवतार सिंह ने पत्रकार वार्ता करके दी जानकारी। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हेल्प डेस्क शुरू की जाएगी। साथ ही समस्त जांचों की रिपोर्ट वार्डों में पहुंच जाएगी, वार्डों के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाएगा एक दूसरे से, मरीजों को होगा सर्वाधिक लाभ। समय पर जांच रिपोर्ट पहुंच जाएगी, इलाज में होगा लाभ। साथ ही अस्पताल शुरू करने जा रहा मरीजों के लिए हेल्प डेस्क, इसका सबसे बड़ा फायदा उन मरीजों को होगा जो बाहर से आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें कहाँ जाना है, उनका इलाज कहाँ पर होगा। धीरे धीरे हम तमाम उन सुविधाओं को अपने मरीज को देने का प्रयास करेंगे जिसकी वजह से उनको इलाज में परेशानी हो रही थी। हम नहीं चाहते हमारे मरीजों को, हमारे अस्पताल में आने वालों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में डीन अवतार सिंह, सीएमओ अतुल सिंह और डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता करके दी जानकारी। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान किन नई चीजों की गई घोषणा, क्या कुछ निकट भविष्य में बदलाव देखने में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नजर आएगा। माना जा सकता है हेल्प डेस्क शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा उन मरीजों को होगा जो बाहर से आते हैं, दूर दराज के इलाके से आते हैं, ग्रामीण अंचल से आते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं अस्पताल में उनका इलाज कहां पर होगा। हेल्प डेस्क शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा हो इन्हीं मरीजों को होगा जो ठीक उस जगह पर तत्काल ही पहुंच जाएंगे जहां पर उनका इलाज हो सकता है। आइए आपको सीधे पत्रकार वार्ता में ले चलते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ निकल कर आज सामने आया। जो हमारा पर्पस था कि आप लोगों के सामने आने बैठ के बात करने का, वो तो ये था कि कुछ सुविधाएं हैं जो हमने एकदम से नई स्टार्ट की हैं, जो पहले जैसे हेल्प डेस्क कोविड के टाइम पे चलती थी सिर्फ, अब हमने मरीजों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क परमानेंटली स्टार्ट कर दी है कि जो यहाँ पे रहती है हेल्प डेस्क में हमेशा आपको पर्सन अवेलेबल मिलेंगे। कई बार मरीजों की ये दिक्कतें रहती हैं कि हम जाएँ कहाँ या भर्ती हों तो कहाँ हों। अभी धीरे से अभी हमारा जब एक और चीज़ स्टार्ट हो जाएगी HIMS हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो शासन की चिकित्सा शिक्षा विभाग की पहल है कि वो चीज़ स्टार्ट करनी है। तो जब वो स्टार्ट हो जाएगी तो हेल्प डेस्क पे अगर कोई आएगा और वो बोले कि मेरा ये पेशेंट है कहाँ एडमिट है, तो उसको वहीं से सब चीज़ें मालूम चल जाएंगी। एक तो ये होगा, दूसरी चीज़ें हमारे डिपार्टमेंटों की आपस में जो तारतम्य है वो भी बैठ जाएगा। जब पैथोलॉजी में जाँच हुई वहाँ से रिपोर्ट उनने सिस्टम में डाली, वो सब डिपार्टमेंट में वार्ड में चली जाएंगी। तो जो ट्रीटमेंट में कई बार इन चीज़ों की रहती है ना कि रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, ये चीज़ों की थोड़ी सी फास्ट हो जाएगा ये। तो ये सिस्टम जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको हर जगह पर कहीं पे भी कोई चाहे ना तो वहाँ पे सारी जानकारी मिल सकती है मरीज़ की। जैसे आप ही किसी भी सिस्टम पे चले जाएँ जहाँ पे चाहे रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, चाहे वार्ड का सिस्टम हो, चाहे कैजुअल्टी में हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ही जगह में सब मरीज़ की पूरी जानकारी मिल सकेगी कि अगर उसकी जाँच हो गई है तो सैंपल कब गया, जाँच आ गई है तो रिपोर्ट्स ये हैं, ट्रीटमेंट धीरे धीरे ट्रीटमेंट भी अपडेट होगा उसमें। हालाँकि अभी ये है कि पूरी तरीके से वो लागू नहीं हो पाएगी, हमारा प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, उसमें शासन ने प्रथम चरण में हमको 50 लाख रुपए दिए हैं तो उसका सिस्टम आ गया है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 10 से 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। फिर अभी एक आध महीने उसकी जो वो चलेगी ट्रेनिंग और ये सब चलेगा, लोगों को नए लोग भी रखे जाएंगे उसके लिए, तो फिर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उससे फ़ायदा मिलेगा। एक ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी होता है कि पर्चियों के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है। कल कलेक्टर साहब आए, उन्होंने भी बोला था कि एक ऐप हम लोग कोई IT कंपनी लें, उससे एक ऐप डेवलप कराएं। तो जब HIMS सिस्टम लागू हो जाएगा तो उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी रहेगी कि आप घर बैठे भी अपनी OPD की स्लिप कटवा सकेंगे। अब वो पूरी तरीके से लागू हो जाए, अभी बहुत सारी चीज़ें हमको भी नहीं मालूम है उसके बारे में कि कैसे करनी है, पर ये है कि जहाँ तक आप घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे तो अननेसेसरी जो लंबी लाइन लगती है वो ठीक हो जाएगी। बाद बाकी आपने देखा हो अभी पिछले करीबन 2-3 महीने से OPD में भी काफ़ी रिनोवेशन का काम चल रहा था। OPD पहले से काफ़ी ठीक, मतलब देखने में तो दिखने लगी है कि कुछ ठीक हुई है, जो हमको तो लग रहा है। बाद बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि वहाँ पे भी साइनेजेस वगैरह लग रहे हैं, मरीजों को ये पता चल सके कि किस जगह जाना है हमको, किस विभाग की किधर OPD है। कई बार ये रहता था शुरुआत में, मैं भी एक बार जब गया था तो मुझे ही नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस विभाग में जाऊँ। तो अब बहुत कोशिश की है हमने कि जब कोई एंट्री करे गेट पे तो उसको पता चल जाए, मतलब वहाँ पे उसको दिखे तो सामने कि किस तरफ जाना है। ऐसी व्यवस्था हमने हॉस्पिटल में भी बनाने की कोशिश की है। जैसे अभी आप देखेंगे तो बहुत जगह साइनेजेस लगाए हैं, पहले भी लगे थे और नंबर बढ़ाए हैं, और ये अभी
ये एक प्रक्रिया चल रही है, तो इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा 2-3 महीने के। आपको हॉस्पिटल में कहीं पर भी खड़ा होगा कोई व्यक्ति, तो उसको ये समझ आ जाएगा कि उसको अगर जाँच कराने जाना है तो कहाँ जाना है, मेडिसिन विभाग जाना है तो कहाँ जाना है।